गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। गोरखपुर महोत्सव 2024 को लेकर सदर सांसद रवि किशन ने आयुक्त सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि प्राचीन काल से भारत वर्ष की सांस्कृतिक एवं धार्मिक महायोगी गोरखनाथ की नगरी एवं बुद्धिस्ट सेक्टर के केंद्र बिंदु के रूप में अपनी पहचान स्थापित किया हुआ है। सांस्कृतिक पर्यटन विकास के दृष्टिगत भारत वर्ष की सांस्कृतिक नगरी गोरखपुर में पर्यटन विभाग, संस्कृत विभाग, सूचना विभाग, जिला प्रशासन एवं स्थानीय उद्योगों के संयुक्त प्रयास से गोरखपुर महोत्सव समिति द्वारा गोरखपुर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 11 जनवरी से 13 जनवरी तक किया जा रहा है। महोत्सव आगामी दिनांक 11 जनवरी से 17 जनवरी तक विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा स्टॉल प्रदर्शनी लगाई जाएगी। गोरखपुर महोत्सव में पहली बार गोरखपुर के इतिहास से जुड़ी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, स्वतंत्रता एवं अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं से परिचय कराने वाली प्रदर्शनी का भी आयोजन हो रहा है। इस आयोजन से गोरखपुर के सांकेतिक पर्यटन विकास में पर्यटन महोत्सव के साथ अधिकाधिक विदेशी अतिथियों का आगमन एवं आवास्थान हो सकेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर आधिकारिक पूंजी निवेश एवं युवाओं के रोजगार सृजन में वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि 11 जनवरी को प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री के द्वारा महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा। उद्घाटन के अवसर पर सिंजनी कुलकर्णी द्वारा गणेश वंदना एवं कथक नृत्य की प्रस्तुति की जाएगी और रात में बॉलीवुड नाइट में शाम 7 बजे बी प्राक द्वारा गायन की प्रस्तुति की जाएगी और 12 जनवरी को सुर स्टार सदर सांसद रवि किशन व आराधना सिंह टीम द्वारा लोकल गायन की प्रस्तुति की जाएगी। इसके अलावा नाइट में कल्पना पटवारी द्वारा शाम 7 बजे लोक गायन की प्रस्तुति की जाएगी। 13 जनवरी को गोरखपुर महोत्सव का समापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा और बॉलीवुड नाइट में शाम 7 बजे कनिका कपूर द्वारा अपने गायन की प्रस्तुति दी जाएगी। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन, मंडलायुक्त अनिल ढिगरा, जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश ने कहा। नमस्कार सभी समस्त मीडिया बंधुओं का, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, प्रेस, फोटोग्राफर, सभी वरिष्ठ संपादकों का सबका स्वागत है। गोरखपुर महोत्सव के लेकर ये मीडिया बैठक है हमारी, जो हमारे साथ डीएम साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, कप्तान साहब हैं, समस्त प्रशासनगण यहाँ पर बैठा है। मैं ये इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ कि यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच रही है कि कैसे लोकल टैलेंट को वोकल फॉर लोकल रहे, लोकल फॉर वोकल रहे, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, उसी को लेके पूज्य महाराज जी ने ये बैठक रखी हम लोगों के साथ और उन्होंने एकदम स्ट्रिक्ट हम लोगों को ये निर्देश दिया था महाराज जी ने कि क्षेत्रीय कलाकार क्षेत्रीय स्पोर्ट्स में क्षेत्रीय चीज़ों को, क्षेत्रीय साहित्य को, सारी चीज़ें लोकल रहें और लोकल चीज़ों को जनवाएं। और उनका जोर जो सबसे खास जो देखने को मिलेगा समस्त भारत को, पूर्वांचल को, कि साहित्य क्या रहा, गोरखपुर का इतिहास क्या था, क्रांतिकारी धरती है, पंडित बिस्मिल से लेके अशफाकुल्ला से लेके जितने मूवमेंट रहे उसको जनवाना, यहाँ की धरोहर क्या थी, कैसे यहाँ पर प्रभु राम के मंदिर के लिए पहला आंदोलन इसी गोरखपीठ से हुआ था बड़े महाराज जी द्वारा, ये साहित्य को जनवाना। गोरखपुर का एक बहुत बड़ा इतिहास है, लिटरेचर है, साहित्य है, गीता प्रेस है, जिसको विश्व जानता है, उसको जनवाते हुए प्रदर्शनी रहेगी इस वक्त गोरखपुर महोत्सव में, कला प्रदर्शनी रहेगी, ऑल द पेंटिंग्स हमारे यहाँ जो जो ऐसे आर्टिस्ट हैं। और जो सबसे ज़्यादा महाराज जी ने चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया था वो ये था कि यहाँ पर लोकल विधा जो संगीत की रही लुप्त हो गई है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले जो अब सुनाई नहीं देते हैं, ऐसे शहनाई बजाने वाले, ऐसे मृदंग या ऐसे छाऊ नृत्य के लोग हैं, या ऐसी विधा के आज चैती है, कजरी है, फगुआ है, होरी है, सोहर गाने वाले लोग, वो इंस्ट्रूमेंट लेके जो गांव देहात में पहले जिसके लिए भोजपुरी की ये धरती है, भोजपुर के लोग हैं, यहाँ पर जो हमारी एक मीठी बोली है, इसके एक मीठा संगीत हुआ करता था जो लुप्त हो रहा है, तो वो दोबारा से जागृत करना, उसके लिए पूरी टीम लगी। तो आप लोगों को जान के खुशी होगी कि हम लोग इस वक्त इस गोरखपुर महोत्सव में 280 लोकल कलाकारों को पहली बार प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा संदेशा है युवाओं में, बेटियों में, खासकर बेटों में, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और ऐसी ऐसी पांचों विधानसभा से हम लोगों ने, अगल बगल के ज़िले से भी, ये नहीं कि गोरखपुर, अगल बगल के ज़िले भी जो जुड़े हुए हैं वहाँ से भी सारे लोकल टैलेंट को हम लोग ले के आए हैं। तो ये गोरखपुर महोत्सव मुझे बहुत ख़ास एक सांसद के रूप में लग रहा है, क्योंकि इसमें पूरे प्रशासन ने बड़ी बारीकी से काम किया, जैसे पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने हम लोगों को निर्देश दिया था। हमारा प्रयास है कि लोकल टैलेंट है, लोकल हमारे साहित्य को लोग जाने,
गोरखपुर की धरोहर क्या है, इसका इतिहास हमारे बच्चे जरूर आके पढ़ें, वैसी प्रदर्शनी रहेगी। तो ये सारे थॉट के साथ और फिर बॉलीवुड के कलाकार इसमें जो बहुत बड़ी चीज़ जो अट्रैक्शन में रहेगा, वो बी प्राग एक सिंगर हैं जो कि विश्व फेमस हैं, बहुत बढ़िया गाते हैं और भजन भी आजकल उनके बड़े जितने हिंदी सिनेमा के गाने हिट हैं आज पूरे भारत में वो बी प्राग की आवाज़ में है। बी प्राग यहाँ पर आ रहे हैं और उन्होंने बहुत ही मतलब नहीं कि मतलब पैसा नहीं क्या कुछ चार्जेस पे नहीं गए। इस तरह से हमारे पास और भी बड़े बड़े कलाकार हैं। भोजपुरी शाम भी है जहाँ पर भोजपुरी साहित्य को लेके कल्पना जी बहुत बड़ी सिंगर हैं। मेरा परफॉर्मेंस होगा जो पहली बार, उसमें हम राम पर प्रभु राम पर गाएंगे गाना और एक बहुत अच्छी प्रस्तुति रहेगी। महाराज जी के सामने भी एक प्रस्तुति हमारी रहेगी। काव्य पाठ होगा मेरे द्वारा। भोजपुरी के कुछ बहुत ही वेल नोन सिंगर्स भी आने वाले हैं। दिनेश लाल यादव हमारे छोटे भाई माननीय सांसद आजमगढ़, वो भी ऐसे अनगिनत। कनिका कपूर जी बॉलीवुड की बहुत बड़ी सिंगर हैं, वो आने वाली हैं। सुरेश वाडकर जी आ रहे हैं जिनके आपने हीना और बड़े बड़े गाने कई फिल्मों में सुने हैं, बहुत ही भजन भी बहुत बढ़िया गाते हैं, वो पहली बार गोरखपुर आ रहे हैं। ऐसे अनगिनत कलाकार, तो बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज कलाकार आ रहे हैं, भोजपुरी के दिग्गज कलाकार आ रहे हैं, लोकल सारे बच्चे आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हम लोग इसी टाइम रंगकर्मी नाटक भी बहुत बढ़िया करा रहे हैं। अभियान ग्रुप द्वारा, पांडे जी द्वारा, मानवेंद्र त्रिपाठी जी द्वारा उनका रंगमंच होगा। तो हम लोकल टैलेंट को, चूंकि आप लोग जान रहे हैं कि अभी तक यहाँ 150 फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, गोरखपुर आज सिनेमा का एक गढ़ बन चुका है। वो हिंदी हो, भोजपुरी हो, वेब सीरीज हो, सब लोग यहाँ पर आज प्रेफर कर रहे हैं। पर्यटन की दिशा से गोरखपुर आज बहुत आगे जा रहा है, सिनेमा वालों की पहली पसंद है। जैसे प्रशासन ने यहाँ पर वन विंडो क्लियरेंस रखा है, सिनेमा वाले यहाँ आना प्रेफर करते हैं। हमारे पास होटल हैं, फ्लाइट सुविधा है, ट्रेन है, सारी सुविधाएं हम लोग देते हैं, सुरक्षा व्यवस्था। हम लोग कलाकारों को, बड़ी बड़ी आर्टिस्ट यहाँ पे आते हैं, बड़ी बड़ी हीरोइंस आने के लिए, जो कि पास्ट में कभी 2017 के पहले कोई कलाकार यहाँ आना नहीं चाहता था। अब गोरखपुर रामगढ़ झील है, इतना सुंदर बन चुका है। महाराज जी को धन्यवाद कि आज यहाँ पर बड़े बड़े लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर रंगमंच के भी रंगकर्मियों को मौका, 280 नए कलाकारों को मौका, ये सारी चीज़ें पुराने इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले भोजपुरी के जो लिटरेचर को जानते थे, लिटरेचर गाते थे, उन लोगों को मौका होगा। पेंटिंग को कला प्रदर्शनी होगी। स्कूली बच्चे हमारे जो साइंस से जुड़े हैं, नासा से लेके या चंद्रयान पे हम लोग कैसे गए, वो हिस्ट्री को बताएंगे। तो हमारे स्कूल के बच्चों की प्रदर्शनी लगेगी जहां पर वो इस नए भारत को, मोदी जी के बनाए हुए इस भारत के साथ, वो क्या देखते हैं, उन्होंने क्या सीखा इस भारत से, उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, या इस उत्तर प्रदेश से जहां पर एक इसको बीमारू प्रदेश कहते थे, अब इस नए उत्तर प्रदेश से हमारे बच्चे स्कूली कितना अच्छा प्रभावित है, हमारी बेटियां भी कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, कैसे रोजगार मेला को, रोजगार को हम लोग प्रोत्साहित करेंगे। आत्मनिर्भर टेरा कोटा, जैसे आप लोगों ने देखा, हम लोग भाग्यशाली हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, विश्व के सबसे बड़े नेता, कल औरंगाबाद से जुड़े थे, जिस कार्यक्रम में मैं भी स्वयं था, वहाँ प्रजापति लक्ष्मी प्रजापति जी से उन्होंने बात किया। तो टेरा कोटा को उन्होंने कल ही गोरखपुर को पूरे विश्व में पॉपुलर कर, पर्यटन को बढ़ावा देना। गोरखपुर में हम लोग टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, टूरिस्ट काफ़ी आ भी रहे हैं, जैसे कि 14 एयरक्राफ्ट हैं हमारी फुल जाती है, 5-स्टार होटल की फैसिलिटीज़ बढ़ती जा रही है। तो हम लोगों ने यहाँ फिल्मों की शूटिंग की, आप लोगों को बताऊं, एक पहली भोजपुरी फिल्म बनी है जो पैन इंडिया बनी पांचों भाषा में, जिसका नाम है गोरखपुर का महादेव। गोरखपुर का महादेव ये 5 भाषा में बनी है, साउथ के लोगों ने मेरे साथ बनाई है, मैं उसके मुख्य किरदार के रूप में हूँ। उसका टीजर हम लोग 12 तारीख को उसी मंच पर, जिस दिन भोजपुरी नाइट है उस दिन वो लॉन्च होगा। पहली बार वो ट्रेलर पूरा देश यहाँ से देखेगा, तो एक बहुत बड़ी ये उपलब्धि गोरखपुर की रहेगी। हमारे लोकेशंस गोरखपुर के राजघाट से लेके जितने गांव, देहात, शहर, वो सारे रामगढ़ झील, वो सब कुछ हमको उस ट्रेलर में दिखाई देगा, जिसको पूरा भारत देखेगा कि हमारा ये नया भारत का नया गोरखपुर कैसा है। तो ये हम लोग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए करेंगे। जैसे कमिश्नर साहब ने कहा कि स्पोर्ट्स में ये नई चीज़ें जो आ रही है बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करेगी, और ये मैं आपके कैमरे को दिखा देना चाहता हूँ, ये सारे गेम्स आ रहे हैं हमारे, और ये गोरखपुर में पहली बार आ रहे हैं।
उसमें बलून से लेके एवरीथिंग इज देयर, एयर बलून। सो ये मेरे हमारे बच्चों को, गोरखपुर के स्टूडेंट्स को, ये बहुत सारी चीज़ें। तो मैं मुझे जो आज दिखाई दे रहा है, ये गोरखपुर महोत्सव एक यादगार महादेव चाहेंगे, पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से एक यादगार महोत्सव। हम सब प्रशासन, हम सब लोग मिल के इसको बनाने का प्रयास करेंगे। मीडिया से मेरी का निवेदन है कि आप लोग इसकी जानकारी भी जनवाएं सबको। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ लें, लोग आएँ इसको देखें, हम लोगों की मेहनत को थोड़ा सा आके उसको अप्रिशिएट करें। जब आएंगे देखेंगे तो अप्रिशिएट होगी, लेकिन बच्चे स्कूल के माता पिता के साथ आप लोग कृपया जरूर आएं। बार हम लोगों का आपने देखा होगा रास्ते में होर्डिंग लग गई है, इस वक्त इसको बहुत महाराज जी ने हम सब लोगों को बारीकी से हर चीज़ बता दिया है। हम लोग प्रमोशन में, रेडियो एक्टिविटी में, टेलीविजन में, आज से मीडिया देखे अपने पहले से, हम लोग कहीं कोई त्रुटियाँ नहीं रहेगी, क्योंकि ये पिछले साल से 10 गुना और भव्य हो गया ये गोरखपुर महोत्सव। तो हम लोग बहुत सचेत हैं, क्योंकि भीड़ बहुत आएगी, मौसम को भी देखना है, पूज्य महाराज जी भी रहेंगे, पर्यटन मंत्री, इस वक्त हमको पूरा यकीन है महादेव चाहेंगे, बड़े प्रसन्न होके जाएंगे। गोरखपुर एक ऐसा गढ़ है, गोरखपुर या सीएम सिटी है, गोरक्षनाथ महादेव की धरती है, यहाँ से जो भी कहते हैं यहीं से शुरुआत होती है और पूरे उत्तर प्रदेश में बात फैलती है, ऐसा माना जाता है। तो प्रभु राम चूंकि 2 घंटे की दूरी पर हैं अयोध्या, तो उसका आगाज यहीं से होगा। सांसद खेल स्पर्धा भी है, 12 तारीख को हम लोग जंगल कौड़िया में, अभी प्रशासन से अभी महाराज जी का आदेश भी आया, 12 तारीख को हम लोग सांसद खेल स्पर्धा का समापन करने वाले हैं। गोरखपुर महोत्सव में फिर सम्मानित पूज्य महाराज जी द्वारा होंगे। तो 11 तारीख को जैसे ओपनिंग तय करेंगे कि पर्यटन मंत्री जी ओपनिंग में आ रहे हैं, 11 की ओपनिंग में पर्यटन मंत्री जी, अभी कमिश्नर साहब ने हमको और महाराज जी इसका समापन करेंगे 13 तारीख को जो समापन, लेकिन ये 17 तक चलेगा, गौर करिएगा 11 से 17 तक ये बड़ा भव्य गोरखपुर महोत्सव है, उस पर आप लोग तवज्जो दीजिएगा। बच्चे आएंगे, ये अध्यात्म ज्ञान, गोरखपुर का इतिहास, गोरक्ष पीठाधीश्वर का इतिहास, प्रभु राम का आंदोलन इसी मंदिर से हुआ था सबसे बड़ा, वो सारी चीज़ों को हमारे आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को, स्कूली बच्चों को, बेटियों को बताया जाएगा। तो मैं इसको एक शिक्षा का महोत्सव देख रहा हूँ, ज्ञान का महोत्सव देख रहा हूँ, इंटरटेनमेंट का छौंक होगा, लेकिन इसमें अध्यात्म की शक्ति होगी, क्रांतिकारियों की शक्तियों का हम लोग दर्शाएंगे। प्रयास किया है कि गोरखपुर में आए, जैसा महाराज जी का आदेश था। तो इसमें जो बेसिकली हमारे यहाँ पे जो चंपा देवी पार्क में आयोजन होता है, उसके बगल में जो मन दिग्विजयनाथ पार्क है, वहाँ पे बच्चों के लिए झूले लगाए जाते हैं। तो इस बार जो झूले लगे हैं उसमें कुछ एडवांस है, जैसे इस बार पहली बार हॉट एयर बैलून का भी आयोजन किया जा रहा है। तो इस बार गोरखपुर में जो है हॉट एयर बैलून भी रहेगा। तो हम लोगों यही अभी आपके माध्यम से सभी को मतलब मैसेज भी देना है कि सब लोग अच्छी संख्या में लोग आए अपने बच्चों के साथ और इसका करें। इसके अलावा जिप लाइन है, वॉल क्लाइंबिंग है, ऑब्स्टेकल कोर्स है। तो ये एक बार पहली बार जो है ये इस तरीके के खेल का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा जो है इस बार जो है समापन के समय पे जब महाराज जी रहेंगे तो हम लोग वहाँ पे आतिशबाजी का भी आयोजन करेंगे, जो अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको हम लोग क्रूज के ऊपर से करेंगे। ठीक है, जो हमारा एक नया क्रूज, आप लोग जानते हैं कि अभी रामगढ़ ताल में जो है अभी लास्ट वीक जो है महाराज जी ने उद्घाटन भी किया था, तो हम लोग उसके हिसाब से करेंगे। इसके अलावा जो मेन कंसंट्रेशन हम लोगों ने रखा वो ये है कि जितने भी हमारे गोरखपुर के लोकल आर्टिस्ट हैं, जितने यहाँ के जो है नृत्य में है, वादन में है, गीतकार हैं, उन सभी लोगों को आगे लाया गया, ताकि सबकी जो प्रतिभा है उसके एक मंच मिल सके, जिससे कि वो हमारे प्रदेश में बल्कि देश में उनका नाम हो सके। यही हम लोग का पूरे प्रशासन का प्रयास है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार पूरा प्रयास प्रशासन जो है एक अच्छी व्यवस्था देगा और लोग भी काफ़ी अच्छे से खुश होते रहे। आपको जानकारी हो गई है कि 11 महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, माननीय सांसद महोदय कमिश्नर सर ने सारा डिटेल दे दिया है। बाकी कुछ एडिशन मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि जैसे लास्ट ईयर हम लोगों ने जो LED वैंस लगाया था सूचना विभाग का, उसमें करीबन हम लोग 15 से 17 हज़ार नए लाभार्थी हमने चिन्हित किए थे अगले एक महीने में। इस बार भी हम लोग का यही टारगेट है कि जो LED वैंस है हम 2 से 3 LED वैंस भी रखेंगे, ताकि जितनी जनता आएगी उन्हें हमें अपने सारे स्कीम्स के बारे में बताएंगे। और एक काउंटर भी होगा जिसमें कोई पब्लिक अगर महसूस कर रहा है कि वो इस स्कीम का पार्ट बन सकते हैं, वो आवेदन करेंगे, हम लोग उनसे दोबारा संपर्क करके हम लोग इंश्योर करेंगे कि जो भी सरकारी योजना का लाभ हम ले सकते हैं
वो भी हम इस महोत्सव के माध्यम से हम अपने लाभार्थी कैंप भी करेंगे। गोरखपुर में परिवहन निगम की बसों में भगवान राम का भजन बजाया जा रहा है, जिसके संबंध में परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव कुमार सिंह ने बताया कि शासन से निर्देश प्राप्त हुआ था कि परिवहन निगम के सभी बसों में भगवान राम का भजन बजाया जाए। इसमें हम लोग पहल कर रहे हैं कि जो अयोध्या के लिए यात्री जा रहे हैं उनको एक अच्छी अनुभूति हो, जिसके लिए हम लोग भगवान राम का भजन बजा रहे हैं और 22 जनवरी से इसको विशेष रूप से बजाया जाएगा। अभी हमने कुछ बसों में शुरू किया है तो यात्रियों को काफ़ी पसंद आ रहा है। हम लोग बसों में साफ सफाई रख रहे हैं जिससे यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव कुमार सिंह ने कहा, देखिए हम लोगों ने जो निर्देश हमें मिले हैं बसों में रामधुन बजाने का, इसमें हम लोग अपनी तरफ से एक पहल कर रहे हैं कि हमारे जो बस स्टेशन पे यात्री जो आए हैं, जो अयोध्या के लिए आ रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, उनको भी एक अच्छा अनुभूति हो, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने रामधुन बजा रहे हैं और 22 तारीख से इसको जो है विशेष तौर पर बजाया जाएगा। अभी हम लोगों ने दोनों बस स्टेशन पे थोड़े ट्रायल किए हैं तो वो काफ़ी यात्रियों को बहुत अच्छा लग रहा था, स्टाफ भी उत्सुक है और उम्मीद ये है कि 22 तारीख के बाद से जो भी यात्री हमारे यहाँ आएंगे उनको बहुत अच्छा लगे। इसके लिए हम लोग स्टेशनों की विशेष साफ सफाई और जो हमारे शौचालय हैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखेंगे। यूपी ट्रक एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से भारत सरकार के गृह मंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में यूपी ट्रक संचालक एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री रविन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि हम लोगों ने भारतीय न्याय संहिता धारा 106 के विरोध में यह ज्ञापन दिया है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को अपर होम सेक्रेटरी को पत्र जारी करके कहा है कि इस कानून को अगले आदेश तक रोका जा रहा है जब तक कि ट्रक एसोसिएशन के पदाधिकारियों से बात न कर ली जाए, इसलिए हम लोग ज्ञापन देकर चक्का जाम के आह्वान को वापस लेते हैं और अपने सभी ट्रक संचालकों से अपील करते हैं कि जैसे हम लोग कार्य कर रहे थे वैसे ही आगे भी कार्य करते रहेंगे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए यूपी ट्रक संचालक एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री रविन्द्र प्रताप सिंह ने कहा, हम लोग जो भारतीय न्याय संहिता 2023 में धारा 106/2 के विरोध में हम लोगों ने आज डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देने का कार्यक्रम किया है और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को जो होम सेक्रेटरी अपर सचिव ने जो है कल एक पत्र जारी कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि यह कानून जो है अगले आदेश तक रोका जा रहा है, अभी लागू भी नहीं है, जब तक ट्रांसपोर्टरों से इसके बारे में विचार विमर्श नहीं कर लिया जाएगा तब तक इसको लागू नहीं किया जाएगा। इसलिए हम लोग आज ज्ञापन देने के बाद अपना धरना प्रदर्शन या जो आह्वान चक्का जाम का किए थे उसको पुनः वापस लेते हैं और सामान्य जैसे अभी तक हमारे ड्राइवर भाई और हम लोग चल रहे थे उसी स्थिति में आगे भी चलते रहेंगे। रविंद्र प्रताप सिंह, यूपी ट्रक संचालक एसोसिएशन। जनपद में मंगलवार की सुबह सड़कों पर घना कोहरा छाया रहा। आपको बता दें कि जब से दिसंबर से ठंड की शुरुआत हुई है तब से सुबह व शाम के समय कोहरा का प्रकोप जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को सड़कों पर घना कोहरा छाया रहा है जिसकी वजह से नागरिक अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चलते नजर आए, क्योंकि लाइट नहीं जलेगी तो एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है और आगे आने वाले वाहन को पता नहीं चलता है कि सामने से कौन आ रहा है। इसके लिए आपदा भी लोगों को जनपद में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए नागरिकों के द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर तुर्कमानपुर से महानगर में भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, जिसको देखते हुए पूरे देश में विभिन्न तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी क्रम में गोरखपुर में मंगलवार को सरस्वती शिशु मंदिर तुर्कमानपुर से भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोग मोटरसाइकिल लेकर शामिल हुए। ये शोभा यात्रा तुर्कमानपुर से निकलकर बेतिहाता चौक, शास्त्री चौक, नगर निगम होते हुए दोबारा सरस्वती शिशु मंदिर तुर्कमानपुर पर समाप्त हुआ। वहीं इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए नागरिक शैलेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि भगवान राम का मंदिर बनकर अयोध्या में तैयार हो गया है, जिसकी हम लोग 500 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसके उपलक्ष्य में यह शोभा यात्रा निकाली जा रही। हम लोगों को बहुत खुशी है जिसको लेकर ये सभी कार्यक्रम किए जा रहे हैं।
इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए शैलेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा, ये राम जन्मभूमि बन के तैयार है, राम जी का वो मंदिर उनके संदर्भ में निकाला जा रहा है और ये पदयात्रा हम लोग का मोटरसाइकिल जलूस जो है निकल रहा है, यहाँ से जा रहा घंटा रोड जा रहा फिर रायगंज वाले रोड पे जा रहा, फिर वहाँ से बेटियाटा चौराहे पे जा रहा, वहाँ जगन्नाथपुर मोहल्ले में होते हुए रोड कंपनी चौराहे पे निकलेगा, वहाँ से फिर रेती रोड पे जा रहा नसाद जा रहा, फिर नसाद से हाटी मैथान वाले रोड पे आएगा, वहाँ से एडी स्कूल जा रहा, एडी स्कूल से फिर बत्तीपुर चौराहेगा, वहाँ से सीधे घंटा रहा होते हुए हासूपुर बसंतपुर होते हुए यहीं विद्यालय में समाप्त हो जाएगा। कितनी खुशी है राम मंदिर को लेकर? बहुत खुशी है हम लोग को, इतने दिन बाद हम लोग को मौका मिला है। मकर संक्रांति के मद्देनजर एसपी रेलवे अवधेश सिंह ने गंभीरता दिखाई है। एसपी रेलवे अवधेश सिंह ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को लेकर माथतों को निर्देश दिए गए हैं कि स्थानीय फोर्स समेत पीएसी को भी तैनात किया गया। उन्होंने बताया कि डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते के साथ स्टेशन परिसर की चेकिंग कराई जा रही है, साथ ही अभियान चलाकर यात्रियों को भी जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान ज्वलनशील पदार्थ और संदिग्ध व्यक्ति और वस्तुओं की चेकिंग कराई जा रही है। इस संबंध में गोरखपुरनी संवाददाता से बात करते हुए एसपी रेलवे अवधेश सिंह ने कहा, 14 तारीख को खिचड़ी मेला कार्यक्रम, 22 जनवरी को अयोध्या धाम में प्रस्तावित कार्यक्रम, गणतंत्र दिवस को दृष्टिगत रखते हुए राजकीय रेलवे पुलिस यात्रियों के सुरक्षित एवं सुखमय यात्रा के लिए संकल्पबद्ध है। इसके लिए जो हमारी फोर्स है उसके साथ साथ 2 प्लाटून पीएसी, 2 इंस्पेक्टर, 20 सब इंस्पेक्टर और 70 कांस्टेबल हमको बाहर से प्राप्त हुए हैं। गोरखपुर स्टेशन खलीलाबाद, बस्ती, बभनान, मस्कनवा, मनकापुर, कटरा, गोंडा, इस जगह अतिरिक्त फोर्स की व्यवस्था की गई है। इसमें सबसे पहले हमारा जो स्कोर्ट सिस्टम है उसको मजबूत किया गया है, उसकी चेकिंग हो रही है, इनको ब्रीफ करके भेजा जा रहा है और हमारा जो सर्कुलेटिंग एरिया है, प्लेटफार्म है, इस पर भी ड्यूटी लगाई जा रही है। हमारा कंट्रोल रूम अहिरनिस इस कार्य में लगा हुआ है, कहीं किसी तरह की कोई ज्वलनशील पदार्थ या संदिग्ध वस्तु लेकर के न जा पाए इसके लिए चेकिंग की जा रही है और पूरी तरह से राजकीय रेलवे पुलिस अलर्ट मोड में है, सारा कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगा। सर, इस दौरान नेपाल, महाराजगंज, नौतनवा या अन्य आसपास के जनपदों से बड़ी संख्या में यात्री रेलवे स्टेशन गोरखपुर पहुँचेंगे, तो उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे सर? जो भी यात्री आ रहे हैं उनका स्वागत है और उनके सुरक्षा के लिए, सुखमय यात्रा के लिए हम सक्रिय हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है या कोई संदिग्ध वस्तु दिखती है तो निश्चित रूप से हमारे कंट्रोल रूम को, हमारे जीआरपी थाने को वो सूचित करें, जिससे तक गोरखपुर में फर्जी नाम पते पर पासपोर्ट बनवाकर विदेश में बसे जालसाजों पर अब पुलिस शिकंजा कसेगी, नहीं लौटे तो उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। एसएसपी ने लंबित विवेचना की समीक्षा के बाद लुकआउट नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। एसएसपी ने साफ कर दिया है कि इसके बाद फरार दर्शाते हुए विवेचना पूरी कर चार्जशीट दाखिल कर दी जाए। पुलिस फरार होने पर इनाम घोषित करेगी और इसकी मदद से लिखा पढ़ी कर कोर्ट से 82 व 83 हाजिर कर संपत्ति को कुर्क कर देगी। इस संबंध में सोमवार को एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने आदेश जारी कर दिया है। वर्तमान में जिले में 19 इस तरह के मुकदमों की विवेचना लंबित है। आपको बता दें कि जिले के साउथ इलाके के कई थानों में फर्जी पासपोर्ट बनवाने के आरोप में पासपोर्ट एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं। आंकड़े के अनुसार बढ़लगंज, गोला, गघा, पेलीपा, खजनी आदि थानों में वर्ष 2022 व 2023 में दर्ज 19 मुकदमों की विवेचना अभी तक लंबित है, क्योंकि आरोपी वर्तमान में विदेश में है। विवेचनाओं को पूरा व आरोपियों पर कार्रवाई के लिए एसएसपी ने माथतों को निर्देशित किया है। अब पुलिस फरार आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कराएगी, साथ ही कोर्ट से आदेश लेकर कुर्की का नोटिस चस्पा कर इनाम घोषित कराएगी। वहीं विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर जांच पूरी कराने के में मदद ली जाएगी। एसएसपी ने एडिशनल एसपी को विवेचना पूरी कराने के लिए पासपोर्ट ऑफिस से संपर्क करने को भी कहा है, ताकि वहां से पुलिस को जानकारी मिल सके। गलत तरीके से पासपोर्ट बनाकर विदेश भाग गए जालसाजों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जाएगा, इसके बाद भी नहीं आए तो इनाम घोषित और फिर कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस फरार घोषित कर विवेचना पूरी कर चार्जशीट की दाखिल करेगी। इस संबंध में गोरखपुरनी संवाददाता से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए जनपद गोरखपुर में कुछ ऐसी सूचनाएं और ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर एक व्यक्ति द्वारा एक से अधिक पासपोर्ट अपनी
पहचान को छुपाते हुए या अगर उसका आपराधिक इतिहास है उसको छुपाते हुए पासपोर्ट बनवाए जाते हैं। इस संबंध में पूर्व में मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनमें कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। उन मुकदमों की क्या स्थिति है उसके लिए SP साउथ साहब को निर्देशित किया गया है कि उनको रिव्यू कर लें। जो व्यक्ति इस तरह से फर्जी पासपोर्ट बना करके विदेश गए हैं उनका लुकआउट नोटिस जारी कराया जाए, उनके विरुद्ध इनाम कराया जाए और उसमें विरुद्ध चार्जशीट लगाई जाए। साथ ही साथ सभी जो हमारे पुलिसकर्मी हैं जो पासपोर्ट की वेरिफिकेशन कर रहे हैं उनको भी निर्देशित किया जा रहा है कि जब भी वो पासपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन करने जाएं तो ये बात को सुनिश्चित करें कि जिस व्यक्ति का वेरिफिकेशन हो रहा है उसके विरुद्ध कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है। और दूसरा, उस व्यक्ति ने अपना आपराधिक इतिहास या नाम या पहचान छुपाने के लिए नाम बदल करके कहीं फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं तो बनाए हैं, अगर इस चीज़ की चीज़ सामने आती है तो उस व्यक्ति के खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन अगर कोई पुलिसकर्मी इस तरह से करता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करते हुए उसको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। इस तरह के अगर कोई गैंग्स काम कर रहे हैं तो उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए ये निर्देश दिए गए हैं। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जो फर्जी पासपोर्ट बना रहे हैं या बनवा रहे हैं उनके ऊपर आने वाले दिनों में। गोरखपुर के बेलीपार थाना क्षेत्र में हुई 12 लाख रुपए की लूट में शामिल फरार आखिरी आरोपी राकेश कुमार गौतम उर्फ बंटी को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। राकेश 31 दिसंबर को बेलीपार में हुई पुलिस मुठभेड़ के दौरान अपने साथी सत्यम के साथ पुलिस को चकमा देकर भाग निकला था, जबकि उसके दो साथियों को गोली लगी थी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद बीते बुधवार को पुलिस ने सत्यम को भी गिरफ्तार कर लिया था, तभी से बेलीपार पुलिस को इसकी तलाश थी। सोमवार को बेलीपार थाना प्रभारी पुरुषोत्तम आनंद सिंह ने अपने हमराही फोर्स के साथ उसे मुखबिर की सूचना पर दबोच लिया। राकेश सजनवा इलाके के पिपरा का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से लूट के 1,92,000 रुपए नकदी भी बरामद कर लिया। आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी करके पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस इस मामले में अब तक 7 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके पास से 8,57,000 रुपए बरामद कर चुकी है। इस संबंध में प्रेस वार्ता के दौरान SP साउथ जितेंद्र कुमार ने बताया कि बीते 24 दिसंबर रविवार की रात बेलीपार इलाके के जीतपुर गांव के पास धसका के रहने वाले सुजीत यादव के 12 लाख रुपए की लूट हुई थी। रात करीब 8 बजे गोरखपुर वाराणसी 4 लेन पर जीतपुर गांव के पास दो बाइक सवार 6 लोगों ने लूट के घटनाक्रम को अंजाम दिया था। उन्होंने बताया कि इसके बाद पुलिस टीम ने घटना के तीसरे दिन 3 बदमाशों शिवम, रामाशीष और प्रदीप यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 31 दिसंबर की भोर में मुठभेड़ में दो बदमाश राज पंडित उर्फ गोविंद उपाध्याय और शुभम पांडे पकड़े गए। मुठभेड़ के दौरान बांसगांव के पगार गांव का सत्यम राय उर्फ गणेश भाग गया था, जिसे पुलिस ने बीते बुधवार को दबोच लिया। अब इस मामले का आखिरी आरोपी राकेश फरार चल रहा था, लेकिन सोमवार को पुलिस ने भी उसे गिरफ्तार कर इस मामले का 100% खुलासा कर दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SP साउथ जितेंद्र कुमार ने कहा, दिनांक 24 दिसंबर 2023 को थाना बेलीपार क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति से 12 लाख रुपए लूट की घटना कारित की गई थी। इस घटना पर तत्काल ही इस घटना के सफल अनावरण के लिए टीमों का गठन किया गया था। 6 अभियुक्त इसमें पूर्व में जेल भेजे जा चुके हैं। आज 7वां अंतिम अभियुक्त राकेश गौतम उर्फ बंटी, जो थाना सजनवा क्षेत्र का रहने वाला है, उसको भी थाना बेलीपार पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। लूट में प्रयुक्त बाइक FZ5 उससे बरामद की गई है और उसके पास से लूट की रकम का 1,92,000 रुपये उससे रिकवर किया गया है। और इन 7 अभियुक्तों से घटना में जो लूटी गई रकम थी उसमें से 8,57,000 रुपये इनसे कुल बरामदगी हुई है और साथ ही घटना में प्रयुक्त 2 जो मोटरसाइकिल है वो भी इनसे बरामद की गई है। साथ ही घटना में इनके द्वारा प्रयुक्त अवैध शस्त्रों की भी बरामदगी की गई है और अब इसमें शीघ्र ही आरोप पत्र प्रेषित करके ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत माननीय न्यायालय में प्रभावी कार्यवाही करते हुए इन सबको। गोरखपुर के नौसर चौराहे पर स्थित TVS एजेंसी में घुसकर चोरी करने के मामले में प्रकाश में आए एक अभियुक्त को गीडा पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी का 1 4-पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन के पुर्जे व 30,180 रुपए नगद बरामद किए जाने का वादा किया है। गुडवर की जानकारी SP नाथ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने दी। उन्होंने बताया कि गीडा थाना प्रभारी योगेंद्र राय के नेतृत्व में नौसर चौकी प्रभारी सुधांशु सिंह ने हमराही फोर्स में शामिल मुख्य आरक्षी शैलेंद्र यादव, अतुल यादव, अनिल चौधरी व आरक्षी सुनील यादव, जयसूर्य गौतम व वीरेंद्र सिंह यादव थाना गीडा जनपद गोरखपुर की मदद से आरोपित को पकड़ा। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम अविनाश चौरसिया पुत्र विजय कुमार निवासी बरई टोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर का बताया।
पुलिस आरोपित को धारा 457, 380 एवं 411 IPS के तहत कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद कोतवाली में हत्या का प्रयास, आर्म एक्ट एवं गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए SP नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा, SSP गोरखपुर सर द्वारा जो अपराधी विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, उसके क्रम में आज थाना गीडा पर एक गिरफ्तारी हुई है। 457 380 का एक अभियोग लिखा गया था, उसका अभियुक्त आज पकड़ा गया, जिसके एक फोर व्हीलर व्हीकल और 30,000 रुपये से अधिक नगद बरामद हुए। इसके अलावा उसके द्वारा जो भी सामान ऑटो पार्ट्स के उपकरण चुराए गए थे, सारे के सारे बरामद कर लिए गए हैं। गुलेरिया थाना क्षेत्र में मंदिर में स्थापित की गई प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने की सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंचकर गहनता से जांच किया। जांच में एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान होने पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी की तलाश में जुट गई। SP नार जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी की पहचान कर ली गई, जल्द उसे गिरफ्तार कर घटना का अनावरण किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए SP नार जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा, ये मंदिर की एक प्रतिमा थी जिसको क्षतिग्रस्त किया गया था, उस पर तत्काल पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया और मौके पर पहुंचकर उसका मुआयना करते हुए प्रतिमा को उसका सही करा दिया गया, ठीक करा दिया गया और नई प्रतिमा लगवा दी गई है। इसके अलावा इस प्रकरण में गहनता से छानबीन की गई तो संदिग्ध व्यक्ति का पता चल गया है और जो अभियोग पंजीकृत किया है उसमें उसको जेल भेज दिया जाएगा।